नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। सौर मंडल में कई भूगोलीय घटनाएं घटित होती रहती हैं और इन्हीं घटनाओं को अगर ज्योतिष के लिहाज से देखें तो बहुत अच्छे और बुरे बदलाव देखने को मिलते हैं। बता दें कि 4 अक्टूबर को शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। फिलहाल कन्या राशि में चल रहे शुक्र 4 अक्टूबर की सुबह 5:27 पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां से पहले से विराजमान युवराज बुध के साथ युति करेंगे और ज्योतिष के नज़रिए से युति सुप्त मानी जा रही है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी की जन्म कुंडली में शुक्र बलवान स्थिति में है तो उसका पारिवारिक जीवन सामाजिक अस्तित्व मजबूत बना रहता है। तो चलिए अब जानते हैं कि शुक्र के इस राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। इस राशि से सप्तम भाव में शुक्र का जाना बेहतरीन लाभ देगा। मांगलिक कार्य करने का शुभ अवसर मिलेगा। अगर शादी की बातचीत चल रही है तो उसमें सफलता मिलेगी। इसके अलावा व्यापारियों की आय में बढ़ोतरी होगी। साथ ही महिला वर्ग के लिए भी ये गोचर शुभ फल देगा। वृषभ राशि की बात करें तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से ये युति शुभ है, लेकिन विलासिता संबंधी वस्तुओं पर अधिक खर्च होगा, भागदौड़ अधिक करनी पड़ेगी। कोशिश करें कि इस अवधि में कर्ज के लेन देन और गुप्त शत्रुओं से बचें। कार्य क्षेत्र में अपनी वाणी को सोच समझ कर प्रयोग करें। बात करें मिथुन राशि वालों की तो स्टूडेंट्स के लिए ये गोचर बेहतरीन सफलता देने वाला हो सकता है। दाम्पत्य जीवन के लिए संतान की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी। सरकार के संस्थानों में सर्विस हेतु आवेदन करना चाहे तो परिणाम सुखद रहेगा। कर्क राशि वालों की बात करें तो इस राशि के लोग पारिवारिक चिंता से मुक्त होंगे। परिवार के बड़े बुजुर्गों से सहयोग मिलेगा। अपने स्वभाव में नम्रता बरकरार रखें। नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना हो तो देरी ना करें। सिंह राशि वाले अपने पराक्रम का भरपूर उपयोग करें, क्योंकि सफलता की संभावना अधिक है। लाभ के एक से अधिक साधन बनेंगे। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग आपसे मित्रता बनाने के लिए प्रयास भी करेंगे। तो वही कन्या राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएंगे। निवेश करने से लाभ मिलने के योग बनते दिख रहे हैं। लोगों के साथ व्यवहार खराब करने पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। शुक्र इसी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को सबसे ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। इस राशि के लोग अपने शत्रु पर हावी रहेंगे। हालांकि इस दौरान अपने मन के भटकने के भी योग बन रहे हैं, इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे सही आंकलन जरूर कर लें। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये युति अधिक खर्च कारक रहेगी। भागदौड़ पर भी अधिक खर्च होगा, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। इसी तरह धनु राशि वालों की बात की जाए तो उन जातकों को आर्थिक लाभ मिलेगा। इस दौरान जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आप विभिन्न भौतिक सुखों का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत को विशेष रूप से सराहा जाएगा और इसके फलस्वरूप आपकी आय में भी वृद्धि हो सकती है। ऐसे में मकर राशि के जातकों को मेहनत और ईमानदारी से काम करने का फल मिलेगा। जॉब बदलने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ आप अच्छा वक्त व्यतीत कर पाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य भाव में शुक्र और बुध की युति वरदान की तरह सिद्ध होगी। साथ ही इस राशि के जातकों के मान सम्मान में वृद्धि होगी और समाज में आप प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे। इस दौरान आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में ज्यादा होगी और आप किसी प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन की। इस राशि के जातकों को थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। घर में नया वाहन आने के योग बन रहे हैं। परिवार के छोटे बच्चों के साथ पर्याप्त वक्त बिता सकेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद में कमी आएगी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।